मेरा सवाल है सीवेज ट्रीटमेंट पे। नोएडा में बताया गया है कि 100% सीवेज ट्रीटमेंट हो रहा है, और आपने कहा सर कि जो स्लज है, डैमेज है, उसका ये होना चाहिए, इसको होना चाहिए अच्छी तरीके से। मैं आपसे जानना चाहूँगा इनका से कि नोएडा में जितने भी एसटीपी 6 या 7 प्लांट हैं, सारे के बारे नाले में ही मिल रहे हैं, तो आपको इस बात की अगर जानकारी थी तो इनसे उन्हें कहा गया कि आप ऐसा नहीं करो। बराबर कहा है और अभी भी कह रहे हैं। हमारी नीति रही है जो ट्रीटेड पानी है उसको रिसाइकल करो। हमारी नीति ये भी रही है, जैसे अपने यहाँ अंडरग्राउंड पानी को जो बर्बाद कर रहे थे उसके लिए हम ये लिखकर हमने आदेश दिए थे कि इस पानी को कम से कम अगर आप पीने के लिए नहीं ले सकते तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वालों को दे दीजिए, ये पानी को वेस्ट मत कीजिए, और जो ट्रीटेड वाटर है उसको अनट्रीटेड वाटर से मत मिलाइए। और इसीलिए आपने यहाँ आज भी सुना होगा कि इस पानी का इस्तेमाल हॉर्टिकल्चर परपजेस के लिए, ग्रासी प्लांट्स के लिए किया है। क्या भैया हो गया? भैया हो चुका है नहीं, ये दोनों जो प्रोजेक्ट बने थे वो बन चुके हैं, आप जाकर देख लीजिए, चिल्ला में चले जाइए और कुंडली में चले नहीं, मगर जो भूरे लाल नहीं, आप सुन लीजिए, भूरे लाल जी बिल्कुल आपका उत्तर दे रहे हैं। देखिए, जहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है उसका तो ट्रीटेड वाटर उसी नाले में जा रहा है, अब मिक्स हो रहा है अनट्रीटेड वेस्ट अनऑथराइज्ड कॉलोनी से, तो इसीलिए भूरे लाल जी और एक्का ने ये कहा था कि जो ट्रीटेड पानी आप नाले में मत डालिए, आप डायरेक्टली यमुना में डालिए। वो नहीं हो पाया है जो लिफ्ट का जो हमने सुझाव दिया था। अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आप ट्रीट भी करते हैं और अनट्रीटेड वेस्ट उसी नाले में जाता है, और फिर 7 किलोमीटर ज्यादा जाके फिर वो आगे से यमुना में मिक्स होता है, तो इसका एक कोई उपाय निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ट्रीटेड अनट्रीटेड वेस्ट मिक्स होगा तब तक कुछ नहीं होगा।